और मंच पर उपस्थित सभी बीआरएस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, यहां पर इस सभा में उपस्थित बीआरएस पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी, मिनिस्टर्स, सांसद, विधायक, सभी नेता और बड़ी संख्या में जहां तक मैं देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर बाईं तरफ देखता हूं मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, सर ही सर दिख रहे हैं। दाईं तरफ देखता हूं तो सर ही सर दिखाई दे रहे हैं और मैं जब सामने देखता हूं जहां तक देख सकता हूं वहां तक मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक धरती पर, खम्मम की ऐतिहासिक धरती पर, मैं आदरणीय के सी आर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आपने बुला करके पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया है। आज सुबह से लगातार हम लोग काम देख रहे हैं। मैं सामने जहां पर बिल्डिंग में हम लोग बैठे थे, ये इंटीग्रेटेड जो ऑफिस बनी है, कॉम्प्लेक्स बना है, एक ये उदाहरण है सरकारों के लिए कि एक जगह कैसे अधिकारी बैठ सकते हैं और जनता को तकलीफ और परेशानी नहीं होगी, एक ही जगह पर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये खम्मम वो धरती है जिसने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। यहां के लोगों ने बड़ी से बड़ी हुकूमत रही होंगी, ताकतें रही होंगी, उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया है। यहां के किसान, यहां के नौजवान, अगर किसान कभी इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ा होगा तो यहां के किसान इकट्ठे होकर के अपनी आवाज बुलंद कर करके उस समय की हुकूमत को हिला के रख दिया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के, जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां भारत सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में है, एक एक सरकारें जो चुनी हुई उनको परेशान कर रही है, चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके बीआरएस की पार्टी की सरकार हो, जो सहयोग और जो मदद और जो लोकतंत्र में सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार सम्मान नहीं दे पा रही, समय समय पर रुकावट कैसे पैदा हो, नेताओं को कैसे परेशान किया जाए, उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए, उनके विपक्ष के लोग जो उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूछते हैं उनको किस षड्यंत्र से उनको दबाया जाए, उनकी छवि कैसे खराब की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी सी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। जो संस्थाएं हमें न्याय देना चाहती हैं, जहां से हम न्याय पुकार निकाय के लिए पुकार सकते हैं, उन संस्थाओं को भी दबाव बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है, अब तो 399 दिन बचे हैं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर जो बुनियादी मुद्दे हैं कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो,
हमारे लोग जो भारत छोड़ करके चले जा रहे हैं, कुछ लोग तो अपनी खुशहाली के लिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लाखों लोग ऐसे हैं जो धन दौलत उनके पास है वो इस देश में रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये सरकार उनको रहना नहीं देना चाहती। इनके पास बुनियादी ठोस मुद्दे जो किसान की जरूरत के वो नहीं पूरे कर रहे हैं। आपको सबको याद होगा, यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हालांकि 2023 शुरू हो गया है, लेकिन मुझे तो ये लगता है किसान की तकलीफ और परेशानी को देख करके इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का 2022 अभी खत्म नहीं होगा। इनका 22 खत्म नहीं होगा, 23 आ गया, 24 आ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 22 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो अभी दोगुनी नहीं हुई है। हमारा किसान तकलीफ और परेशानी में है, उसको वादा तो कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी उसे मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पा रही है। ये हमारा जो नौजवान दिखाई दे रहा है, ये नौकरी और रोजगार की तलाश में अपना भविष्य चौपट कर रहा है। ये सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। आपका प्रदेश में तो सरकार है जहां मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने प्रदेश में देखते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जैसे ही चुनाव आ गया है, इन्होंने तय कर लिया है कि जगह जगह इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने लोगों को धोखा देंगे। ये प्रचार के माध्यम से धोखा देना चाहते हैं। वैसे तो समय समय पर देश के लोग और देश के जो नेता होते हैं वो G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन इस बार इन्हें मौका मिला है अध्यक्षता करने का। मुझे लगता है कि केवल चुनाव के लिए ही प्रचार करेंगे, उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सामने इकट्ठे हुए हैं, जहां मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने मैं कह सकता हूं कि अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। हम यूपी वाले यही जानते हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात वो नहीं छोड़ते, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जो धोखा हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मां गंगा हमारी पूजा का, हमारी आस्था का, हमारी संस्कृति की स्थान है। एक पानी का जहाज चला करके, विलासता का जहाज चला करके न जाने क्या सपने दिखा रही है सरकार। और जिस मां गंगा को साफ हो जाना चाहिए था, मां गंगा वैसी की वैसी है, नदी साफ नहीं है, नदी को साफ नहीं कर पाए। मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय आपके मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया था कि यहां पर किसानों के खेत तक और घरों में पानी पीने का कैसे इंतजाम किया जाए। वो जो इंटीग्रेटेड इरिगेशन सिस्टम का आपने शुरुआत की, मैं आपको बधाई देता हूं और जनता को भी बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रदेश से शुरू हुई योजना जहां पर खेत को पानी, घर में पानी का इंतजाम किया, वही तो भारत सरकार नकल कर रही है। जो आज भारत सरकार नकल कर रही है वो कहीं ना कहीं आपकी देन है। जिस सरकार ने एक उदाहरण पेश किया हो, और न केवल इरिगेशन में और भी क्षेत्रों में, मैं ऐसे सरकार के लोगों को बधाई देता हूं, खासकर मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं।
जहां इतना विकास हो रहा हो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। उनके मुद्दे, उनके फैसले हमें और आपको पीछे ले जा रहे हैं। इसलिए आज जरूरत है प्रोग्रेसिव नेताओं की, प्रोग्रेसिव सरकारों की। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे कर दिया है हर चीज में, हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं जो साथ मिलकर के काम करेंगे, तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा देकर के देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर बधाई देता हूं कि आपने जितना प्रचार करना चाहिए था आपने भगवान विष्णु, उनके अवतार भगवान नरसिम्हा जी का जो मंदिर का निर्माण कराया, मैं आपको बधाई देता हूं। आपने काम ज्यादा किया, प्रचार कम किया, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम कम प्रचार ज्यादा करते हैं। इसलिए अभी अभी हम लोगों ने त्योहार भी मनाया है, हमारे यहां मकर संक्रांति का त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है। अगर हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो देश में अलग अलग जगह अलग अलग त्योहार मनाते हैं। अगर सूर्य उत्तरायण हुआ है तो राजनीति दक्षायण चली गई है, और उत्तरायण से अगर कोई चीज शुरू हुई है और अगर दक्षायण राजनीति शुरू कर रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बदलाव देश में आएगा और देश में एक नई सरकार होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके पास भ्रम और जाल फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये समय समय पर भ्रम फैलाते हैं, समय समय पर जाल फेंकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रम जाल पार्टी है, इससे सावधान रहना। हम लोग तो सावधान कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी सावधान करना, जिससे देश में एक नया परिवर्तन आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक धरती पर जो ऐतिहासिक जनसभा हुई है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर जितने भी दूसरे दलों के नेता हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। और एक बार फिर आपके मुख्यमंत्री केसीआर राव साहब का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हम सबको यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए और लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। సోదరులారా, మనకు కొద్దిగా ఓపిక అవసరము, అతిథులను పిలుచుకున్నాం కాబట్టి కొద్దిసేపట్లో నేను మాట్లాడతా. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు